So sir, we are here with the second session in options class, the master class on options, and basically the investors club for empowerment. The theme of this particular club is to empower the investors. So we are here, sir, and today we'll be taking our members through what is exactly strike. So I'm sharing the presentation, and I hope that you might have gone through the first video wherein we have elaborated what is call option, what is put option, why it is there, and the role of options as well. हमने थोड़ा सा उसको कवर किया था कि सर मतलब ऑप्शंस को क्यों करना चाहिए, तो वो हमने सब कवर किया था. आज हम लोग जो बात करेंगे स्ट्राइक्स की और स्ट्राइक प्राइस की बात करेंगे. सो सर छोटा सा ब्रीफ एक कपल ऑफ मिनट्स में कि स्ट्राइक और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है. हम डिटेल में डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी थी, आपने जब शुरुआत की मार्केट में ट्रेड करना, खास करके ऑप्शंस में ट्रेड करना, सो आपने क्या बेसिस पे ऑप्शंस को चूज करना चालू किया था, स्ट्राइक्स और स्ट्राइक प्राइस के बारे में आप क्या क्या धारणा थी या क्या मिसकंसेप्शन थे? देखिए यार जितन भाई, अगर मैं फ्रेंकली बताऊं, जब ट्रेडिंग ऑप्शन में स्टार्ट किया था, मेरे को नॉलेज तो कुछ भी नहीं था। जिसने जो बताया वो मैंने करना शुरू कर दी थी। और ऐसा भी समय था जो मैं ऑप्शन के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। मैं 30-30 लॉस लेके काम करता था। अब मैं जानने के बाद में 10 लॉट लेने के पहले भी सोचता हूँ कि 10 लॉट लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। स्ट्राइक्स में जब अपन काम करते हैं तो अपने को ये चूज करना पड़ता है कि कौन से स्ट्राइक में हम काम करें। स्ट्राइक्स एंड स्ट्राइक प्राइस लगभग दोनों एक ही बात है। कोई बंदे यूज करते हैं स्ट्राइक्स यूज करते हैं, कोई स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, बिकॉज उसका कॉस्ट होता है, उसका स्ट्राइक प्राइस होता है। वो अपना रिस्क और रिवार्ड को डिफाइन करता है, हम जिस स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं। स्ट्राइक में मैंने क्या क्या होता है कि 3 टाइप के स्ट्राइक्स होते हैं, एटीएम, आईटीएम, बूटीएम। लास्ट वीडियो में इस चीज को हमने डिस्कस किया हुआ है सेशन में, तो सेम चीज को थोड़ा सा एलाबोरेटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्राइक प्राइस को चूज कैसा होता है और स्ट्राइक्स डिसाइड कौन करता है और अपने पोजीशंस कैसे लेने चाहिए और उसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो उसमें कैसा बैठता है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स बेसिकली जैसे कि सर ने कहा स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पे हैं और उसके लिए हम लोग को जो प्राइस पे कर रहे हैं दैट इज अ प्रीमियम, वो प्रीमियम जो है हमारा कॉस्ट है, राइट? सो हम लोग इसको थोड़ा सा आज इलाबरेटली डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्राइक्स जो है वो प्री डिटरमिंड है, वो एक प्राइसेस है. जैसे मान लीजिए अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं और आज इंडेक्स 21,800 के आसपास है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो 21,800 के आसपास में अगर हम स्ट्राइक्स को देखना चाहें कि कौन से स्ट्राइक्स अवेलेबल है, तो ये एक्सचेंज ने डिफाइन किए हुए स्ट्राइक्स है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, दोज आर प्री डिटरमिंड. और इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है कि भाई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे एक्सरसाइज होने वाले. एक्सरसाइज का मतलब क्या? तो एक्सरसाइज का मतलब ये कि उस प्राइस पे, अगर उस प्राइस के ऊपर मान लीजिए एक्सचेंज में आज हम बात कर रहे हैं 21,800 निफ्टी की, और निफ्टी ऑन एक्सपायरी डेट 22,000 का इंडेक्स अगर है, तो हमारा जो स्ट्राइक है वो 21,800 का था, हमको 200 पॉइंट का गेन दिख रहा है, मतलब हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में होगा अगर हमने कॉल खरीदा होगा. तो हमारा गेन जो है दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन कि कितना स्ट्राइक से ऊपर वो लेवल रहता है इंडेक्स का जब हम कॉल की बात कर रहे हैं. कितना समय में होना चाहिए, समय फिक्स है। हाँ, सो समय क्योंकि उसकी एक्सपायरी है इसलिए समय फिक्स है. अगर वो हम बेट कर रहे हैं कि नीचे जाएगा तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं, तो पुट के केस में प्रॉफिटेबल कब होगा? जब उस प्राइस से नीचे वो ट्रेड करेगा, जो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक इंडेक्स जो है वो ट्रेड करेगा उस प्राइस से नीचे, तो वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 21,800 का पुट वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, राइट? अब इसमें एक पार्ट सर और आता है जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम बाय कर रहे हैं तो वी आर पेइंग सर्टन प्रीमियम. सो जब बाय कर रहे हैं हम कोई कमोडिटी भी लेते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो हम कुछ पे करते हैं उसको, तो जो पे करते हैं वो हमारा कॉस्ट होता है. उसी तरह से जब ऑप्शन हम बाय करें तो हमारा कुछ कॉस्ट रहेगा, दैट इज अ प्रीमियम. अब मैं आपको स्क्रीन पे भी सर इन लोगों को सबको लेके जाना चाहूंगा, हमारे व्यूवर्स को, सो दैट एक आइडिया जो है क्लियर हो कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही. सो फ्रेंड्स ये एक स्टॉक
जो है रिलायंस, उसका ऑप्शन चेन है। अभी इस समय रिलायंस जो है करीब करीब 2740 चल रहा है, राइट सर। सो 2740 के कॉल के प्रीमियम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और आगे में पुट के प्रीमियम भी उसके बगल में वहां पे मेंशन किए हुए हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2740 के कॉल का प्रीमियम इज 43 रुपीज और पुट का प्रीमियम है 38 रुपीज। अब मैं अगर रिलायंस यहाँ से 2740 के स्ट्राइक से ऊपर जाएगा और अगर मैंने कॉल खरीदा हुआ है, तो मेरा कॉल जो है वो प्रॉफिट में आने लगेगा, बिकॉज ये 2740 का जो स्ट्राइक है उसको उसने क्रॉस कर लिया। अब ये डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट कितना होगा, दैट प्रॉफिट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि कितना प्राइस बढ़ता है। सो मान लीजिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एंड ऑफ दिस मंथ अगर 2900 पे जाके बंद होता है रिलायंस, तो 2740 और 2900 के बीच का गैप इज 160 रुपीज। अब 160 रुपीज जो है मेरा प्रॉफिट हुआ, दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज मैंने कुछ प्रीमियम दिया था, वो भी मुझे उसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा, उतना कम करना पड़ेगा। सो 160 में से मेरा 43 रुपीज का प्रीमियम, मान लीजिए 45 रुपीज है राउंड फिगर, सो मेरा ऑलमोस्ट 115 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, विच इज माई नेट प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज एक लॉट साइज है इसका, 250 का लॉट साइज है, तो 250 × 115 रुपए इज माई नेट प्रॉफिट। तो ये जो है ये समझना जरूरी है कि कॉल ऑप्शन में इस तरह से हम लोग हमारा पे ऑफ, जिसको बोलेंगे प्रॉफिट या पे ऑफ, उसको हम निकाल पाएंगे। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार आ गई कि किस तरह से प्रॉफिट में आता है, तब हम उसके ऊपर ट्रेड ले पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं पुट की बात करूं, तो 38 रुपए का प्राइस है, अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि रिलायंस नीचे जाएगा और ये 2600 पे जाके बंद होगा, सो 2600 और 2740 इसमें गैप कितना है, 140 रुपए का गैप है। सो 2600 पे चला गया और मैंने 2740 का पुट खरीदा हुआ है, तो 2740 − 2600 उस केस में उल्टा था कॉल के केस में, क्योंकि वहां पे 2900 − 2740 करना था और यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो स्ट्राइक है उससे जितना डिफरेंस दूरी बनाती है उसने, उतना मेरा गेन हो गया उल्टा। और इसमें से मैं कम क्या करूंगा, 38 रुपए जो मैंने पे किया है, मेरा नेट प्रॉफिट था। सो आई होप ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने शेयर किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार प्रेजेंटेशन पे आपको लेके जाता हूँ। ऑब्वियसली क्लियर कब होगा, जब थोड़ा सा इसमें हम लोग एक्टिविटी करेंगे, लेकिन एक्टिविटी करने के पहले अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से कि एक्टिविटी कहाँ करनी है, सो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो फॉर कॉल ऑप्शन, द स्ट्राइक इज द प्राइस एट विच अंडरलाइंग एसेट मस्ट बी अबव फॉर द ऑप्शन टू बी प्रॉफिटेबल, हमने वो बात की। और पुट ऑप्शन की प्राइस जो है वो नीचे होना चाहिए ताकि वो प्रॉफिट में आए, राइट। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये स्ट्राइक डिसाइड कौन करता है, तो हमने पहले वीडियो में भी इस पे बात की थी कि ये स्ट्राइक का जो मतलब जिसको डिसाइड करना है वो है एक्सचेंज, लेकिन एक्सचेंज के अलावा भी कोई डिसाइड करता है कैसे? एक्सचेंज डिसाइड करता है कि आपको किस प्राइस में काम करना है, बट पार्टिसिपेंट ये डिसाइड करता है कि मेरे को किस स्ट्राइक में काम करना है। वो एक ऑफर देता है, एक्सचेंज इज गिविंग एन ऑफर कि आपको ये स्ट्राइक मेरे पास है, मार्केट में ये स्ट्राइक्स है, बट उसको चूज करना है ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स के ऊपर में। पार्टिसिपेंट कौन सी स्ट्राइक में कितना रिस्क लेके काम कर सकता है, ये जो अथॉरिटी है ये पार्टिसिपेंट के पास है, एक्सचेंज के पास नहीं है। एक्सचेंज का काम है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, फैसिलिटी देना है, बट उस फैसिलिटी को कैसा अवेल करना है ये पार्टिसिपेंट का काम सर, इसमें थोड़ा सा मुझे एक डाउट आता है, शायद ये व्यूवर्स के दिमाग में भी आएगा, कि मान लीजिए रिलायंस 2740 है और मैं ऑप्शन चेन पे फिर से एक बार लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि 2740 से कितने और ऑप्शंस वहां पे कौन से स्ट्राइक्स के खड़े हैं। मान लीजिए रिलायंस की जो ऑप्शन चेन है उसमें ऑप्शंस है 3000 रुपए तक के, मतलब स्ट्राइक्स है 3000 रुपए तक के, और नीचे में स्ट्राइक्स है मान लीजिए 2000 रुपए तक, क्योंकि वो इस एक्सपायरी में मतलब इस सीरीज में रादर वो जहां तक मुझे ध्यान है 2500 से 2740 हुआ है, करीब में 2500 के आसपास का भाव था। तो 2500 के आसपास में 500 स्ट्राइक्स नीचे और 500 मतलब 500 पॉइंट्स नीचे और 500 पॉइंट्स ऊपर तक के स्ट्राइक बने हुए। अब रिलायंस मान लीजिए इस रेंज के बाहर चला जाए और स्ट्राइक्स है नहीं, आज की रेट में एक्सचेंज ने डिफाइंड नहीं किया हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं। उस कंडीशन में मार्केट, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि रिलायंस 2700 है और मान के 2900 पहुंच गया,
1900 पहुंचने से पहले मार्केट ऑलरेडी स्ट्राइक्स माने डिसाइड कर रहे थे। मतलब एक्सचेंज आपका बोलना है कि उसकी वोलेटिलिटी देखते हुए अलग अलग स्ट्राइक्स को वहां पे ट्रेड करने के लिए ऑफर करना शुरू कर दिया। सो इससे आई होप आपको समझ में आया कि मैंने क्या पूछा। मैंने ये पूछा कि स्ट्राइक्स जो है वो एक पर्टिकुलर दायरे में एक्सचेंज ने बना के ऑफर किए हुए हैं, और वो दायरा ही टूटने लगता है, दिखने लगता है कि अभी दायरा जो है वो शिफ्ट होने वाला है और बड़ा हो जाएगा। सो उस टाइम पे एक्सचेंज जो है स्ट्राइक्स को, नए नए स्ट्राइक्स को बाहर लाना शुरू कर देता है, और उसमें एक्टिविटी जो है वो पार्टिसिपेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सो एक्सचेंज का काम है स्ट्राइक्स को डिफाइन करना, पार्टिसिपेंट्स का काम है उस स्ट्राइक्स में काम करना। राइट, हाउ टू यूज स्ट्राइक्स। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा जो लेवल है उसको हम बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि लेवल जो है अब एक नेक्स्ट लेवल पे हम चीजों को लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि पहले पार्ट पे अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो ये पार्ट डेफिनेटली आपको शायद समझ में नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको लगता है कि ये पार्ट समझ में आ गया फिर भी अगर पहले पार्ट पे कंफ्यूजन है तो यहाँ पे दिक्कत आगे चल के आपको जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले पार्ट को थोड़ा सा धीरे धीरे रोक के उसको बार बार समझ लें, एग्जाम्पल्स जो थी उसको भी थोड़ा सा अंदर में एब्सॉर्ब कर ले ताकि ये पार्ट आपको इजिली समझ में आए। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, इट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक्स जो बनते हैं वो स्ट्राइक्स के बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी कैसे मेरे लिए फेवरेबल हो सकती है। सेकंड पार्ट, स्ट्राइक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एग्जीक्यूटिंग दी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस कि अलग अलग स्ट्राइक्स जो है आपको अलग अलग ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बनाने से लेके उसमें काम करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स नाउ टेकिंग ऑन फर्दर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजीज। सो कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं। अब सर इसमें आपके थोड़े से थॉट्स में चाहूंगा कि स्ट्रैटेजीज अभी हम डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजीज बनती कैसे है, एक एग्जाम्पल छोटा सा अगर हम देते हैं तो व्यूअर्स को समझ में आएगा कि यहां से हम किस लेवल पे ये जो सेशंस है उसको लेके जाने वाले। ओके okay, अगर हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जैसा ये हमने डिसाइड कर ली कि मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे एग्जाम्पल निफ्टी की लेते हैं, अगर इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे आप डिसाइड कि मार्केट को अभी 21,800 तक मार्केट है, ये डिसाइड कर मार्केट ले जाएगा 22,000 तक, मतलब 200 पॉइंट का ऐसा मूवमेंट है, छोटा सा एग्जाम्पल कर ले रहे हैं इसमें, क्योंकि जब स्ट्रैटेजी की बात करेंगे ये काफी वाइड थिंग है, अभी हम उस बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, एक हल्का सा हिंट्स दे रहे हैं कि अपन स्ट्रैटेजी में जाएंगे तो आपको इनिशियली लेवल है, आप मेंटली कैसा आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि ये जो सेशंस है इसको स्किप करके जाके स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो बेटर ये है कि उसको सेशन वन से लेके उसको स्लोली स्लोली उसको समझ के, और जो डाउट्स है उसको हमसे हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं, आपका उसमें चैनल में जितने मैंने बताया तो आप उसमें जो भी क्वेरीज है उसमें डाल सकते हैं, उसको हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। तो जब स्ट्रैटेजी में आप आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन ने 21,800 का कॉल बाय किया और ये मान के चलते हैं कि 22,000 तो जाएगा, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि 22,000 डिसाइड कैसे होगा, तो ये जो पार्ट है ये लेटर पार्ट में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का सबसे डायरेक्शन जो कैसे फाइंड की जाती है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या साइडवेज जाएगा, मार्केट का हमसे डायरेक्शन तीन होती है, अप डाउन और साइडवेज, ये तीनों कंडीशन में जब हम ऑप्शन में काम करते हैं ये अपने को प्रॉफिट भी देता है और लॉस भी देता है, दोनों देता है, तो अपने को ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और कब तक जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जाएगा तो सही 22,000, पर 22,000 कब तक, और मान के चलिए कि मैंने 21,000 का कॉल बाय किया जिसका प्रीमियम है 200 रुपये, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 22,000 तक, 21,000, 21,800, ओके 21,800 का मैंने कॉल बाय किया, उसका प्रीमियम दे रहा है 200 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ कि मार्केट 5 दिन के अंदर में 22,000 टच कर लेगा, इन दैट केस तो मेरे को प्रॉफिट जरूर आएगा। तो अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन, ये मंथली बैंक में बात कर रहा हूँ, मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आखिरी गुरुवार को अगर 22,000 में क्लोज होता है तो मेरे को गेन कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे को 0 मिलेगा, क्यों, 21,800 का जो प्रीमियम मैंने बाय किया वो 200 है, मार्केट मूव किया 22,000 तक, उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, रीजन कि मार्केट 22,000 के बाद ऊपर जाने के बाद ही मेरे कुछ मिलेगा, मार्केट जाके 22,000 में बंद हुआ तो मैंने उसे कॉस्ट पे किया, जो कॉस्ट है वो टाइम वैल्यू के साथ में एडजस्ट हो गया, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। अगर ये चीज 5 दिन के अंदर हो जाता 22,000,
वो डेफिनेटली मेरे को वहां पे गेयर होगा। मान के चलो कि 5 दिन के अंदर में 22,000 जो मार्केट टच किया, और मेरा जो प्रीमियम है, मैंने जो 200 बाय किया हो वो 300 हो गया, तो इन दैट केस मेरा कितना प्रॉफिट मिलेगा, 300 - 200 इज इक्वल टू 100, ये मेरा गेन रहेगा। तो ये इसे ये अपन डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में जब आप ऑप्शन में पोजिशन लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन और किस पीरियड के अंदर में वो चीज अचीव होगा वो इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज को डिसाइड करना ये बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको सम अप करूं, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए निफ्टी में वीकली ऑप्शंस है, अब वीकली ऑप्शंस में मेरे पास कोई पोजीशन मैंने लेके रखी हुई है, और उस पीरियड के पहले अगर वो पोजीशन जो है, जैसे मान लीजिए सर का एग्जांपल मैं लेके कंटिन्यू करता हूँ, 21,800 का मैंने कॉल खरीदा हुआ है, मंथली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरीज भी है, लेकिन मैंने मंथली एक्सपायरी का कॉल खरीदा हुआ है, और वो उस पीरियड के पहले जो एक्सपायरी का पीरियड है उसके पहले वो 22,000 छू लेता है, सो ऑब्वियसली मेरा जो ऑप्शन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और सर ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि वो 200 से 300 हो गया, बिकॉज अभी पीरियड बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे 100 रुपये का गेन तो डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि मैंने 200 में खरीदा था। अगर मैं रुकता हूँ और ये पूरे मंथ एंड तक रुकता हूँ और वो वहीं पे रुकता है, जो प्रीमियम है वो 22,000 होके, 22,000 से ऊपर नीचे होके वहीं पे एडजस्ट होने लगता है, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, तो 22,000 निफ्टी एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे है उसके आसपास ही रहता है, तो मैंने 200 रुपये तो ऑलरेडी प्रीमियम दिया था, और जो स्ट्राइक का डिफरेंस है वो भी 200 रुपये है, तो मेरा गेन जो है वो 0 हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में, आप मतलब अब जब ऑप्शन की बात कर रहे हैं, सो टाइमिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट, और उसका एक्सपायरी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो स्ट्राइक है वो एक्सपायर वो हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक की, स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ में ये दोनों फैक्टर्स और भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दोनों केसेस में कॉल या पुट में हमको ये बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि हम किस तरह से इसमें काम करेंगे, स्ट्राइक कौन सी डिसाइड करेंगे, और वो कितने पीरियड में वो स्ट्राइक जो है वो अचीव होने का चांस है, जिसकी वजह से हमको बेनिफिट आएगा। सो आई थिंक विद दिस वी आर ट्राइंग टू एंड दिस सेशन, छोटा सा पार्ट हम लोग कवर कर रहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्राइक्स एंड स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली हमने जैसे अभी बात की, आपके गेन को बढ़ावा अगर अच्छा गेन आना चाहिए या लॉस को भी कर्टेल करना है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्राइक्स को प्रॉपरली चूज करें, आप अगर स्ट्राइक को सही चूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज योर रिस्क इज व्हाट, जब आप ऑप्शन की बाइंग कर रहे हैं तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं दैट इज योर मैक्सिमम रिस्क, सो आपको डिसाइड करना है कि भाई कितने पीरियड में क्या ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो फिर मैं इसके लिए कितना प्रीमियम दूं, दैट इज द ऑप्टिमम प्रीमियम। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग एरियाज आने वाले हैं, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इनिशियली लगेगा, बट जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेगी आई होप कि आपको ये सारी चीजें उसके आंसर्स मिलने लगेंगे। राइट फ्रेंड्स, हम लोग ये स्लाइड को भी कवर करना चाह रहे थे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली कवर करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कि स्ट्राइक्स जो है स्टॉक्स के हमने मतलब डिसाइड करते वक्त स्टॉक्स को क्यों कंसिडर करना चाहिए और इंडेक्स को भी कंसिडर करना चाहिए, तो वोलेटिलिटी और रिस्क एक्सपोजर की बात होगी, और उसका इम्पैक्ट जो है प्रीमियम पे, कि हम कौन से स्ट्राइक को लेते हैं तो उससे कितना प्रीमियम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली कवर करेंगे। सो विद दिस वी विश टू थैंक यू एंड स्टे विद अस, यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड यू कैन कनेक्ट अस थ्रू द ईमेल प्रोवाइडेड हियर, आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ आईसीई, ये कॉन्टैक्ट पे हमें व्हाट्सएप करके ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। विद दीज वर्ड्स लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।